जिसके गायिका कुमारी लक्ष्मी सिंह सिनवार मेड़ा चौली नदवई से ढोलक पर संगति कर रहे मेरे बड़े भाई गौरव सिंह जी फौजदार मरौली जनूथर से पेड़ पर धनकान लगा रहे हैं हमारे चाचा श्री रामजीत सिंह जी बड़ी का कठुमर से आपके समक्ष में ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता है पंडित राता जी जी साउंड सर्विस जनूथर की तरफ से साउंड पर ऑपरेटिंग कर रहे हैं मेरे बड़े भाई अशोक कुमार की मुड़िया से और आपके समक्ष में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है मेरे छोटे भाई प्रीत उपमन जी आइएगा भैया जी हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं और 101 रुपए का पुरस्कार मोहन
बाबूजी देने हम लोग के लिए बार बार धन्यवाद देते हैं, लेकिन भैया जी गौर करें, साखी का धड़ाव क्या कह रहा भैया, गौर कीजिएगा, सुनिएगा कहा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे अंकल जी दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार जाट संघर्ष समिति नगर वाले दे रहे हैं, हम उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं भैया जी। लेकिन सुनिए साखी का धड़ाव क्या कह रहा है भैया, बारो कहा क्या, अरे भूखे गिरा तेरी करम कमोरी, क्या हो भूखे गिरा तेरी करम कमोरी, हो नाए चलेगी वहां रसवत खोरी, क्यों भैया जी कहा क्या कहा, वकील पैर टेकेगा, अरे कहा वकील पैर टेकेगा, हो तेरो तेरो हो तेरो एल्बम में तू ही देखेगो, क्यों भैया जी कहा, अरे मानव मन में बहुत सिहा, हो जैसो करते हाँ वैसो ही पाते, क्यों अरे आते हैं वो निश्चित जाते, अरे आते हैं वो निश्चित जाते, हो टूट हाँ टूटी हो टूट जाए ये हो टूट को देखा है,
आज राजा को देख करके राजा से बोले हैं कि राजा सुन, जिस दुर्योधन को राज गद्दी पर बिठाना चाहता है, जिस अपने पुत्र को, अपने सुत को, अपने लाडले को उस राज गद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठाना चाहता है, वो तुम्हारे इस वंश को नाश कर देगा। लेकिन सुन, आज मैं तुझे बताता हूँ एक राजा का फर्ज क्या बनता है। और भैया जी, राजा का फर्ज बता रहे, याद दिला रहे, सुनिएगा भगवान श्याम सुंदर आज राजा धृतराष्ट्र से क्या कह रहे भैया। और ये ले होकर सबल झुके जो राजा, क्या कहा आप लोग भी सुनिए, जानते एक राजा को फर्ज कावन है भैया जी, क्योंकि आपके समक्ष अभी बैठे हैं, चुनाव प्रसार चल रहा है। लेकिन भैया गौर करें, मैं तुम यूं मत समझूं चाचा जी, मैं तुमसे कह रही हूँ, सुनो भैया, लेकिन विचार करें, कहा ए! और ले होकर सबल झुके जो राजा, और यह अत्याचारी से, और ले ऐसे मर के लिए मिले को राजा, तू मान ले मेरी बात।
लेकिन सही बात कहूंगा, सुनो बाबा साहब, हर जात में एकता मिल जाती है, हर जात में एकता मिल जाती है, लेकिन सभी जाट जात है ना, यहाँ में कबो एकता ना है, कबो ना है सके। लेकिन भैया जी कोई बात नहीं, आजकल राजनीति का प्रचार चल रहा है और हर जगह नेता जा रहे हैं, आपके समक्ष भी नए नए नेता आए, अनीता गुर्जर राजा साहब, हम अनीता गुर्जर को वोट देंगे, है जी, नेम सिंह फौजदार राजा साहब, हम इनको वोट देंगे। लेकिन सुनिए, राजनीति के अंदर भी घोटाला, और वो घोटाला क्या भैया जी, जवाब दे रहे विचार, कहा और देख देख करे दशा देश की, जो भी नेता जी आए उनका आप सम्मान करें ताली बजा करके, और उनके लिए रास्ता छोड़ दें, मंच पर आने दें उन्हें। भैया जी कहा, अरे देख देख कर दशा देश की, और ये छाती फटे और हमारी है, और ये घोटा लड़के और यह घोटा लड़की रसाई से जी सत सत पड़ गई का, और कौन करेगो बात सच्ची और अच्छी लगे तो ताली बजाएंगे।
करेगो कौन करेगो कौन करेगो रखवाली जब बार खेत को कौन करेगो रखवाली जब बार खेत को आई रही है। लेकिन भैया जी कमेटी तक केवल एक मिनट और ना चेहरी कछ में जा जा भैया जी सुनिएगा क्या कहा करके रहते हैं कमाने खाने में। तुम देख लो बाबा अब बाबा का तो जेल में पाएंगे के राजनीति में पाएंगे है जी। लेकिन भैया जी कहां का है रे धोखाबाजी कर कर के रहते हैं कमाने खाने में। आसाराम हो राधे माँ और आसाराम तो जाहिर हुए पहले। हमारा देश केवल एक ही बात गुजार कर रहा था बार बार और वो क्या बात थी भैया संसद